अरे सामने तो वो पंडित जी से मालूम पड़ता है, पंडित जी फाड़ आ रू। अबे क्या कहता है? अरे क्या कहते, कहा क्या कहते हैं तुम्हें? कैसे कहा तूने? पंडित जी फाड़ आ रू। खुशी रहो जजमान, आके तेरी दोनों फूटे घोटने के बोले चलो दांत बत्ती से टूटे। तेरी बहन को पंडित, खुशी रहो खुश लेने रहो मारू हुसैन रहो। ए बस चुप रहो चुप रहो तुम। अबे जैसा तू कहेगा वैसा ही सुनेगा। तो मेरे का चुका दही है और ये बता तुम कहाँ आ रहे हो? पंडित जी कह रहा है, क्या तुझे बोलने का तजीब है? अच्छा तुम कहाँ आ रहे हो ये बताओ पहले तो। मैं गंगा घाट से। चिनोरी फिनोरी लाए हो ना लाए? कुछ नहीं है, ऐसा करो जल्दी से, गंगा घाट पे तो बहुत लड़ाई हो रही है। ऊपर आमटे लेके गए सब ने बताया है रे का रहो है ना है सब वहां से कहीं भगत करके आते हैं। तो मैं गंगा जी पे जा रहा हूं। गंगा जी पे घर क्या आयो कछु? हाँ घर बेस तो बहुत किया है, मैं मर गो तो आई जाऊंगा। अच्छा अबे बदतमीज, मर गया तो कहां से पहुंच जाएगा? मैं कह के आयो। अच्छा उन जो किया है न मरो तो तू चिंता ही मत करियो। ऐसा करियो दिन लगते ही अपनो दिया जोरे के धद्दो और दिन मुझे वो तभी लंप गप बुझाए दी। ठीक ठीक क्या कर गया तुम्हें? मरे को सोपत हो ना। अबे वहां तो सब मर रहे हैं और मैं भी मुश्किल से बच करके आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, इतनी जोर की लड़ाई बाजी के समझ ले सब हमारे महाराज की सेना जो है पत्थर पड़ी है। तो जी तो जादू थी करी हुई पत्थर तो? हाँ जादू भी चलाता और लड़ाई भी हुई थी तेगा की। और तुम कैसे बच गए? अरे हम तो बामन देवता है, जब जादू मारे सब हम गंगा जी में गड़प सेना गोता मार जाए को पंडित मारू सब ने मारे आले अकेलो बच रहे हो। अच्छा राजमंत्री, अगर मैं भी वहाँ कैद हो जा मर जाता तो फिर कौन आता खबर देने? हाँ खबर को दे तो वैसे तो मैं खबर ले भी जा रहे हो, पर अब चलो महाराज तो कह देंगे। चलो चलते आ जाओ। कहिए। नहीं ठारे रहो पहले देख जाओ महाराज को नंगे उहारे तो ना पड़े। अबे बदतमीज देख कर के आओ। महाराज नमस्कार। नमस्कार मैं आएगो। आ गया? हाँ। कहिए क्या खबर लेकर के आए? कछु ना। अबे तू किस लिए मैंने भेजा? खबर ले रे। खबर लेकर के क्यों नहीं आया फिर? वो आ गए। कौन? यामन देवता। रामर देवता बोलो। हम भेई हैं भेई हैं। गंगाधर पंडित जी। हाँ। कहाँ पर है? दरवाजे पे। लाओ ले बाकर के इज्जत के साथ। पंडित महाराज कहिए। ला पहले इज्जत दे दो भाई। इज्जत लेगा? महाराज ने कह दिए। अरे यूं कहा हुआ कि इज्जत के साथ तहजीब के साथ लाओ। हाँ तो चलो चलिए जी आ गए। मैंने कहा पंडित के लिए पाला के खुश रहो। कहिए महाराज मेरे माता पिता के साथ गए और कैसा गंगा स्नान किया और कुशल बताइए गंगा स्नान की। ये तो ऐसे चुप बैठे मर मत सगरे नहीं के मर गए का कछु कहता सुनाओ। बड़े अफसोस की बात है। क्या करूं बेटा, कहता हूँ कहाँ नहीं जाता है बिना कहे भी मुझ पर रुखा नहीं सकता है। अरे बता दे गुरुजी मोए गंगा यरे घाट की। क्या बताऊं मेरे लाल महाराज, ऐसा गजब हो गया गंगा घाट पर कि अगर सुना दूंगा तो बेटा घबरा जाएगा। रोए ले पंडित जी महाराज रोए ले। क्या बात है? अरे सुगरी अरे चली गई नरबरिया दे सही अरे नरबर की। क्या बात हो महाराज? हाँ बड़ा गजब हो गया है। चली गई ला
नरवर की नरवर के खिलाड़ी होनी ने पकड़ ली ले तेरी बाय बताऊंगा। महाराज कैसे चली गई बताऊंगा आपके लिए बेटा, आप घबरा जाओगे। अरे रोई की रे दिखारे गुरुजी बात ही ना बतारे घाट पे। हे भगवान क्या हुआ सोले बेटा के मातो तेगा की चली अरे तकरारे। बड़ी जोर की लड़ाई हुई है कुमार गंगा घाट पर, कहा नहीं जाता है मुझसे। हाँ आपके माता पिता की कैद हो गई है। अरे कैद जान है गई रे बेटा मैयर बबुला की, मेरे बेटा के उनकी जादू ते परी ना पारे। बेटा तेरी लड़ाई रोने से अब कुछ नहीं होगा। भगवान है क्या हुआ। अरे अकल बताए दार अबले बेटा तू तो मैया बबुला कुलाऊ में तुड़ाए। अरे बेटा तो कुरे अकल बताऊ बेटा तो पूरे अकल बताओ। अरे भोजई सजाय ले दे सनरवर में। और महाराज अरे संग मोतिन पुतुलियो रे लड़े ते लगाए। अरे प्यारी बात गुरुजी मानी मेरे कुमार। मोती रानी को नहीं ले जाएगा तो तू पछताएगा। मोती को नहीं ले जाऊंगा। तेगा की लड़ाई तो तेरे पिता भी नहीं हारे थे, वहाँ जादू की लड़ाई है मेरे लाल। अरे गुरा जी सबरी बिगड़ जाए बात। कोई बात नहीं बिगड़ेगी, जादू की लड़ाई आपके बस की नहीं है। अपने यार मन सुख को बुलवाए ले संग में रानी मोतिन कुरे लगाए ले। हाँ बेटा जब ही कह छूट सकती है। रानी मोतिन को नहीं ले जाऊंगा हम, लेकिन यार मन सुख को बुला।
जा सकता। अरे कंपला गला कोरे कर गोए पानी, अरे कंपला गला कोरे कर गो पानी, ही न पुरसतरी न पैदवानी। वहां की बेटा औरत भी तलवार चलाती है। ठीक है महाराज, मौत्री को नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। अरे बेटा तो इरा और समझ आए, अरे जो नहीं ले जाए संग रानी रे मोटनी, और तो पैकेज छोड़ने की रे बेटा। बेटा तुम पैकेज नहीं छूटेगी। ठीक है, जो आपका कहने का मतलब वो जान गया, मैं मोतनी को नहीं ले जाऊंगा। मोतनी को नहीं ले जाएगा तो बेटा पछताएगा, पछताएगा, पछताएगा। कुछ भी सही, यार को बुला सकता हूँ लेकिन मोतनी को नहीं। ठीक है तो मैं तो जाता हूँ। महामंत्री चाहिए महाराज। पंडित जी को विदा करो, जो कुछ होना था वो हो गया। हाँ पंडित जी रवाना हो गए। बड़े अफसोस की बात है, मोतनी का सपना सच्चा हो गया। ए लाली मंत्री महाराज, क्या कहूं, बड़े अफसोस की बात है। क्यों क्यों क्या हो गया महाराज? आ गंगा घाट का हवाल सुनाओ, क्या गुजरी, क्या नई खबर मिली गंगाधर? अरे सपने जाने साचेरी मोतरी तेरे है गए अरे नारावा में। सपने साचे नहीं हुआ करते। अरे सपने जाले साचे नार मेरी है गए महलन में। रस वरली रवेरी बात रे पिता की रे गई कैद में। बार बार कहता हमारे सपनों देखो महाराज, अब तुम कैसे रोए रहे? अरे अकली रे बता दारी मेरी रे और हमारी नहीं मानेंगे। अरे मैया तो तुम्हारे खेत कबू नहीं छूटेगी। अगर जनाने का नाम लिया तो समझ ले हाई पावर दिमाग हो जाता फिर मेरा। क्यों क्यों अरे पैरा रे तो बत्ती सजना बनो का जनाने मेरे बल मारे दैया घोंघटा ले बैठा नहीं कर। अगर नाम जनाने का लिया समझ ला था फिर हाई पावर हो जाता हूँ। तुम? अरे तुमने कहूं झंडा नहीं गाड़ी। अरे मार मार कुल्हाड़ी तेरी खा ली अरे ओला जाऊं रस बरनी रे तेरी तलकी अरे ओला जाऊं सबरी खाल अब ला तेरे सामने देख जनाना बनूंगा। तुम और जनाने बन जाए तो कैदी छूट लेंगी।
अरे तुम कैदू नहीं छुड़ा सकेंगे। अब किसको का जलाना बनूंगा। अरे काबा काबा सजना तुमने झंडा का उखारी। हमने झंडा उखारी कौ झंडा नहीं गाड़ो बगर मेरे। अच्छा तेरे बगर मेरे बगर तो तुम्हारे झंडा नहीं उखाड़ा। अरे कब कब सजना तुमने झंडा का उखारी। मेरे बलवार तुमने कब कब यारे बजाई बोल रही है। तुमने कबू झंडा नहीं गाड़ो मेरे। हाँ बगर हमारे सो तुम कैद छुड़ा लाएंगे। अच्छा हाँ अगर मैं कहूंगी तभी छूट सकेगी। चढ़ गए मेरे पियर पे। अरे तो मुझे पूछो एक दिन चली गोरी मोटी ने दान मरा हम गड़ पे। कुरानी रे तेरी लाओ अरे भमरी आरी धरवाए। अरे शर्म न आई रे हीरा मेरा बरवारे। देख ले तेरे बाप को मार के तेरी भावर डाला है। सुन के जाए सोवा यार देती नहीं सुनो महाराज। हाँ अब तक मैंने तुम्हारी पोल नहीं खोली। अब ऐसी पोल खोलेंगी कि कभी नहीं मैंने आपने खोली। अरे तू मेरी क्या पोल खोलेगी। मैं दुनिया की पोल खोलता हूँ। अरे बादल की करे यादे अरे बलम मेरी मठिया पे पहुंचा पति जाई। अरे मारो बाबुल के तो तेरे के बारे में मोमक्की माँ की बनाए चचा मेरा आयो देखकर। अरे मोतनी मोए बच्चा में मरो। अच्छा मैंने हाँ मोबक की माँ की तुम बना के मैंने कहा छुपा लो। आस कह गई मेरी सूरत पे मैं तेरे जाई दिमाग की बनाए लोरी चबरे बबुलने क्या क्या। अरे मोमा की माँ की बना के मेरे साजल मैंने बेना में दुआ लाएना रे तुम्हें चचा ने। अरे बेटी मोतनी ये मानसिकत कहाँ से। अरे अपने बच्चों के लिए तुम क्या कुछ नहीं। घर मैंने त्यारा भेद नहीं दयो चचा ने। बेटी मोतनी तू अपना बेना खोले दिखा दे। मैं बेना खोले दिखा दिया ऐसा ना मिलेगा। आज ये मतना ये जाई दिलायो तो बकाई रे। मर गई मिट गई तू मेरी सूरत में है। सुनियो ध्यान ले लगाई रे। चलो जबरा बाबू नन्हे कई बेना की मैंने बेना में ते हालन कार ले रे। तो मेरी सूरत में मर गई मिट गई तुम्हें कहा छुपा लो। कहा छुपा लिया बेना में तिली करो मेरे साजल में चोली में दोवा काए ले रे। तुम्हें अबे मजनुआ दिमाग खराब नहीं तेरा।
नहीं चच्चा पे घेगर इसको फुरवा देती। आरी काल चला रही सबलाई आ रही मौत ने सुन ले बानी रे अरे एकरे पैसा ना है तेरी बरेगी जिया केरा ना लठा कोरा ज्ञानी रे चानी बेटी मोतनी तू चोली खोल दिखा दे तेरे बाप ने मेरी चोली खोल दिखा दे बत्यारा भेद नहीं दो अगर छोमारा चोली में का कपड़ा बन रहे हो आराम कर रहे कुछ नहीं है फालतू बातें करती है। अच्छा देसी कह रही है झूठ रहे हूं अरे बबुल ने कई चोली की मैंने चोली में ते हालत तोली कार ले रे और कहां धल्लो चोली में ते निकारो मेरे साजन तुम्हें साया में धोवा काय ले रे ठीक है साया में मंदिर बनो सो हम पूजा ए खामोश अरे मैया ए फालतू बातें कर दिया सब अरे तुम कहने में शर्म नहीं लगी क्या ये पोल खोल देगी मेरी तो हम क्यों कहे जेठ मास की दोपहरी पड़ रही पसीना में चिचिया रहे हो देव देव भड़के रहो मरो जा रहे हो मोतनी मोए बचाने गर्मी में मरो अरे काली रात तारे की रे ठगनी तो में जबरे बबुलने क्या हुआ भरे आगे बोल जल्दी अरे जेठ मास की परी दोपहरी पति साया को पसीना सब पी गयो रे सो पलम धींगरा ऐसे बचाए दई मेरे देखिए भाई साहब को बुलाओ क्या उधर माता पिता और रो रो करके मर जाएंगे अरे सीधे श्री सेवा लाई कहो सेवा लाई कहो ओ पामावर योग बने तुम्हारा करो हाँ। अपने दस्तखत डाल दो और भाई साहब के लिए फटाफट चले आए
लीजिए पत्र खोजा को भेज कर। ए खोजा आइए महाराज, जाओ ये पत्र ले जाओ और मेरे यार चाने पर उठवा दे। क्या चीज? पत्थर। समझ लो तू तो उल्टी बातें करता है, मैं पत्थर कह रहा हूँ या पत्र कह रहा हूँ? अच्छा चिट्ठी है। का सपोर्ट हुआ? नहीं नहीं ये चिट्ठी है। अच्छा ला मो दो। सियानगर के लिए सीधे जाओ और मेरे यार गुजर को लेवा करके लाओ। मैं ही जाऊंगे। हाँ और पढ़ते पत्र प्राप्त फौरन चलाएगा, क्यों कि मेरे माता पिता कैद हो चुकी है। बहुत अच्छा। मुझे चलना चाहिए सियानगर के लिए। अरे खोजा ने पलकी नहीं देर रे लगाई, सीधो परारे डगर पे जाई। अरे खोजा थोड़ी देर के राम अरता में, अरे पहुंचो सिया नगर मेरे राजना। यही सिया नगर है और यहां पर मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा महाराज नमस्कार। चिरंजीव राव खोजा, कहिए किस प्रकार आए हो? लो महाराज ये चिट्ठी लेकर के आया हूँ। चिट्ठी? और क्या? क्या मेरे भाई साहब की चिट्ठी लेकर के आए हो? हाँ, आपके भाई साहब की चिट्ठी है। बैठ जाइए आप। चिट्ठी पढ़े लिखे हो आप? इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ। कितने पढ़े लिखे हो? एम ए बी ए तो मेरी चिलम भरते हैं। अच्छा हाँ, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। काफी पढ़ा लिखा हूँ। सर्विस भी कुछ करते हो? सर्विस बहुत ऊंची करता हूँ मैं। क्या करते हो? दिल्ली में भारी हो तू। ठीक है, बहुत ऊंची सर्विस करते हो। देखिए खोजा, कहिए। मैं चलता हूँ और चलूंगा, लेकिन अपनी रानी कश्मीरा से आज्ञा लेकर के जाऊंगा। महाराज इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि माता पिता की कंपला करके अंदर कैद हो चुकी है, और ऐसा है जल्दी चलो, इक्का लिख जाओ मोटर छाड़ी दे जाएगी। वो तो सही है, सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपनी घरवाली से आज्ञा लेना तो सही है, लेकर के जाऊंगा। मर्दों के ये काम नहीं है जो कि औरतों से आज्ञा लेकर के तब जो है कहीं पर जाएं। ठीक है तो चलते हैं हम। चलिए। अरे खोजा की सुन दास्ता, और कोई छूटा सब्र करारे, और सिया नगर से चल दिया कोई तनकन करी तो अवारे। We'll be right back.
सुख बीच दगन पे आया। कैसे खोजा से बतलावे और खोजा जाकर नल ठाकुर को हाल सभी बतलावे। जाइए खोज कैसे खोजा से बतलावे और खोजा जाकर नल ठाकुर को हाल सभी बतलावे। जाइए खोजा कह देना का आपके भाई साहब आ चुके हैं। बहुत अच्छा महाराज नमस्कार। अरे आ गया मंत्री। आ गया मेरा यार आया या नहीं आया? आ गया वो भी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आ गए आपके भाई साहब। लाओ तो लेवा करके फटाफट कचरे। बहुत अच्छा। ए महाराज कहिए। चलिए चलो चलते हैं। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। अरे नमस्कार। सात गोबरसों में उबुझी पपिया की प्यासा अब नल मंस कदो मिले भाई अब पूरण आसा। भाई साहब। भाई साहब के पास पत्र पहुंच गया या नहीं? ठीक है मेरे पास पत्र पहुंच गया और मुझे हाल मालूम हो गया है। ऐसा करो भाई साहब जब देर करने का मौका नहीं है जल्दी से फौज सजा लो। फौज तो सजाएंगे मेरे यार। वो तेरी भाभी मोतनी जो है वो कहते कि मैं साथ जाऊंगी लेकिन मैंने उसे समझाया नहीं मानती है और तू उसे समझा दे क्या भाभी को? हाँ और मेरा तो दिमाग ऐसा है अगर हाथ छूट गया तो मर जाएगी। माता पिता कह दोगी औरत वाली बात वो जिद करती है। भैया मैं समझा दूंगा। नमस्कार। नमस्कार लड़का आए गए कहो हमारा पत्र पहुंचो या नहीं पहुंचो? हाँ पत्र तुम्हारा पहुंच गया। देवर जी अफसोस की बात है माता पिता की कैद होगी ये तो पत्र में लिखा ही था। पर वो तेग लड़ाई है नहीं जादू की लड़ाई है। तुम्हारे भैया मुझे साथ नहीं ले जाते। अगर मुझे नहीं ले जाएंगे तो कैद नहीं छूटेगी। भाभी कैद फिर कैसे छूटेगी? देवर साहब कैद मैं बतलाऊंगी ऐसे छूटेगी कैद। बताइए मुझे तुम साथ नहीं ले चलेंगे तो नहीं कैद छूटेगी। बताइए मुझे कैसे कैद छूटे? अरे देवरी हाय देवर मत मन में घबराओ सवेरे में तबांद छुड़ा देऊंगी देवर कैद छूटनी चाहिए। भाभी बड़े परेशान है क्यों कि जादू की लड़ाई बताई है वहां पर। देवर मत मन में घबरा सवेरे में तो बंद छुड़ा देऊंगी। अरे बंद छुड़ा देऊंगी सवेरे में तो कैद छुड़ा देऊंगी। देवर मत दिल में घबरा और क्या? अरे बाकी बेटी हाँ बाकी बेटी ये सरबतिया मजा चखा देऊंगी। बाकी बेटी और क्या है? और क्या भाभी साहब? अरे जूरा देऊंगी काटी सोत के पी रचना लेऊंगी। केवल मत दिल में
छुड़ा देऊंगी, कचर के बेटा कैद छुड़ा देऊंगी, देवर मत दिल में घबराओ। लेकिन भाभी मुझे तुम ले चलेंगे तो मैं उसके वीरन को छिना लूंगी। क्यों क्यों पर जादू की लड़ाई है, मैं जानता हूँ तुत्ते की लड़ाई से तुम नहीं हार सकते, मगर जादू से तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी भाभी। लेकिन तुम हमारे साथ में जाओगी तो हमारी बात खराब हो जाएगी। खराब हो जाए तो तुम पर कैद नहीं छूटेगी, तुम तलवार से लड़ेंगे और मैं जादू से लड़ूंगी। एक यतन है भाभी मेरे पास, मैं बताऊँ उस प्रकार से आप मेरे साथ चल सकती। कौन सा? भाभी जी देवर के उपदेश संग हमारे जो चलो तो तुम करो मर्दानो। मर्दाना? हाँ मर्दाने भेष करो, मर्दाने भेष में किसी को महसूस नहीं होगा कि ये मोतनी है। मैं मर्दाने कैसे बन जाऊंगी? क्यों अरे मेरा पेंट है शर्ट पहन के एकदम बेल बॉटिंग में आ जाओ टनाटन। और जी सामान सट्टो कहाँ जाओ? अरे सामान सट्टो तो नहीं रहे वो। ठीक है एक बात जरूरी है, मैं यहाँ तो जाऊंगी मगर पहचान होगी तो तुम्हारा नाम ले दूंगी। ठीक है मेरा नाम ले देना लेकिन चलना जरूर। बहुत अच्छा चलो मैं आती हूँ। चलिए अरे समझा दिया मंसूर। हाँ भाई साहब मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है और भाभी से मना कर दिया कि आप मेरे साथ मन चलो। अब ऐसा करो चलो फौज को सजाओ। चलिए जल्दी से फौज को सजा लो, जल्दी से कूच बोल दो। अरे भैया लड़ली लीनी फौज सजाए, अरे उतती आ गयो सिया नगर को तो कैसे कंपी लगर को। अरे धरो है कूच पे कूच बू पे कभोलो है धावा। भूपने बोलो है धावा। अरे परो न कोई शहर कह रहे हो लाखा बाबा। अरे भैया लीनी रे फौज बड़ाए, अरे नल मनसुखया बा दोनों रे दारे और घोड़ा सनन सनन रे देखो चाऊ और ले ले उस तरह चल दे नाऊ। ए महामंत्री ये महाराज। अरे भैया करी करी रे मुहिम दावे चलो दावे चलो। अरे पलल है मां के बीच में रे, अरे दाबी सिंह रे नदी की बाद फौज के प्रकार से पार होगी भाई साहब यहीं रोक दो। कैसे मरकेटा वो फार रहे हैं? अबे करकेटा बदमीज कछवा नार चमकाने देखो भोट बैठी है सामने भोट।
महामंत्री, ये तो पानी के जंतु हैं, पानी में ही रहते हैं। देखिए ऐसा करो, फौज को यहीं पर डांट दो। अरे वीरन, फौज में कछु नाए घाटो और घोलन को दानो घास, मरदन को बटवा दे उतारे और आए तो। अबे बतमी जाटा, हम रास्ता कहां है? चो मारे आटो बटवा दूंगा चूनो। अबे आटा चून एक ही होता है। ना ना, आटो हो तो चक्की को, चून हो तो चाकी को। अरे मंत्री बचन कहु गहरे और उठन को तुरवा दे दूध भोजन नीव के। ठीक है भाई साहब, ये सब काम हो जाएंगे। नलकी तमुआ बन रहे सेत, अरे नरवर वाले चौधरी की वाठोकन लागी पड़ा पड़ो। ठीक है, अब सुबह चलेंगे भाई साहब, सोलो। ठीक है, सवेरा है वो, मुरगा बोले वो मुरगा। सवेरा हो गया, भोर भयोर अबे भोर भयोर अबे किरण पसारी, जाग परो नल छत्र धारी, फूट गई नर नारी नकी तारी, तय तमें कूक मुरगान है। अरे पंचो नल गुजरती बतराए, सिंह नदी देखी ऐसी आई, जाको पुल दिखा तू है तू। भाई साहब, भैया चोरे में बना हुआ बन गया, बारह बारह कोस और इसका पुल नहीं दिखता है। तेरे पास मेरे यार कोई उपाय है जिससे के फौज मेरी पल्ली पार हो जाए और माता पिता की बंद छूट जाए? भाई साहब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हतुए उपाय, बहुत सरल उपाय है। कौन के तेरे पास है? हाँ मुँह पे हतुए। क्या मैं हो सपा पे डाल दे तो वहां तक पहुंच जाएगा? हम वहां तक ना पहुंचे। देखिए मैं जानता हूँ तुम्हारे पास किसी के पास उपाय नहीं है, मेरे पास एक उपाय है। है भाई साहब आपके पास? जिस समय मैं रानी मोतनी की शादी करके और दानवगढ़ से लाया था, तो मेरे मामा झुन्ना पुन्ना ने मेरी मोतनी को देख करके और मुझे समुद्र में डाल दिया। मेरी मोतनी पर वो मोहित हो गए और कहा कैसे नलबनवारी को समुद्र में डाल दो, मोतनी को हम ले जाएंगे। तो मेरे यार मुझे समुद्र में डाल दिया मेरे मामा ने। मेरे पास 82 मणियों की माला थी, उस माला द्वारा मैं पातालपुरी में पहुंचा। पातालपुरी में मैंने पास से कोई यार बनाया, तो जब मैं चलते समय आया तो मेरे बास यार ने ये कहा कि यार तुझ पे मुसीबत पड़े, तो किसी ने मुझे अजमाना, आज उसी बासिक को मनाऊंगा, वो आएगा और इसके पुल को बनाएगा, फौज को पल्ली पार लगाएगा। ठीक है भाई साहब, इससे ज्यादा भी और कौन सी मुसीबत पड़ती है? आज बासिक यार कोई सुमरो आपकी सहायता करेगा। ठीक है, अपने यार बासिक को मनाऊंगा, वो जरूर आएगा। अरे भाई बंद मेरे सब जुरिया है और मेरी आए गई दुर्गे मैया, अरे जल्दी आइयो पातालपुरी तेरे बासिक मेरे मैया। जल्दी आइयो पातालपुरी बासिक मेरे भैया। Keep
देखो प्यारे यार बहे नदिया पेरे तुम्हें रहे का बुलाई चलना चाहिए इधर में पातालपुरी से वासिक अपने नायकों को लेकर के चल देता है और इधर में रानी मोतरी मर्दाना भेज करके उसी समुद्र पर आ जाती है। किस तरह से वासिक आ रहा है पुल को बनाएगा कैसे पार होगी भाई साहब भाई साहब श्यापाएगी भाई साहब आपने किस लिए याद किया महाराज हाँ जय मोहम्मद बास मार ये पल्ला मारो ऐसी बात है मत करो ये मेरा यार है देवों का देव है और सरप इसके साथ रहते कीड़ा फीड़े खाता है इस वजह से बदबू मारती है मेरी नाक भटी जा रही पल्ला मारो अगर इसने सुन लिया तो ये नाराज हो जाएगा। मेरे यार आपको मालूम मैंने कैसे बुलाया है? कैसे भाई साहब? देखिए मेरे माता पिता की कैद हो गई है और इस सिंह नदी का 700 कोस कई पुल नहीं देखता है, इसका पुल बना दो तो मेरी फौज पल्ली पार हो जाए। भाई साहब पुल तो मैं बना सकता हूँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है? आपकी फौज में जनानी सवारी हुई तो मेरा पुल टूट जाएगा। कोई नहीं है मेरी फौज में जनानी सवारी। हत्या जनानी हत्या क्या मंत्री कहाँ है जनानी सवारी? जनानी नहीं है। नहीं हत्या जनानी कौन सी है? घोड़ी है। अभी घोड़ी को जनानी सवारी मानी जाती है? वो बाप का सामान ना है। हाँ जाले वो मर्दों में समार होती है। अच्छा मर्दों में? अच्छा ऐसा करो कोई नहीं है। मनसुख तेरी फौज में तो कोई नहीं है? मेरी फौज में भाई साहब कोई जनानी सवारी नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो के भाई साहब आप पुल बनाइए, कोई जनानी सवारी नहीं है। भाई साहब भाई साहब कौन हो आप, कहाँ के रहने वाले हो? मुझे नहीं जानते हो? मैं क्या जानता हूँ, पहचानो मुझे नहीं दिखता है इतना और दिख रहा है तो क्या जाने कोई जान पड़ते कौन आ गई। हाँ देख लियो। ओ भाभी जी आया समझ गई। ठीक है भाभी तुम जाओ। जब तुम पर नहीं पहचानी तो तुम्हारे भैयों पर न पहचाने होंगी। ठीक है हाँ आप तो ऐसा भेज बना करके आ गई एकदम डिस्को। सुना देवर जी यहाँ तो गई, अगर पहचान होगी तो तुम्हारा नाम ले दूंगी। भाई साहब मेरी मिट्टी खराब कर देंगे। ऐसा करना हाँ कि तुम मेरे पीछे रहना। ठीक है और सुनाओ और देवर जी देखो तुम मुझसे भाई साहब कहना और मैं तुमसे भाई साहब कहूंगी। अच्छा। अगर देवर भौजी कहेंगे तो पोल खुल जाएगी। बस वही टोर जो सब भाभी मिट्टी खराब हो जाएगी। ठीक है भाई साहब। क्या बात है? अरे पुल बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो गया? हाँ भाई साहब। तो चलो ऐसा करो कि पहले तुम पार हो जाओ उसमें। ठीक है ये फौज हमारी सब लड़ेगी। एक दो और एक। ठीक है महामंत्री कहिए महाराज। चलो लिख लो मुझे कागज जब परी है सो मैंने करूँ। लिख रहो तो मुझे लिखना पड़े हो और क्या जी जी वाला फला पा रहे हो। नहीं अबे ये सर्पों का पुल है, ये काटते नहीं है किले हुए सर्प हैं। खाएगा तो सारो खाई जाएगा और क्या छोड़ देगा बदतमीजी करेगा तो जाने बीच में बहन चोर ले कुछ लगाए गई है। हाँ वो कुछ लैंड भी लगी हुई है। हम भाई यहाँ सब लग रहे हैं। चलो निकलो निकलो पल्ली तरफ। एक दो ले मैं तो लकड़ी आया हूँ। लकड़ी आया? लकड़ी आया। तो चलो मैं भी निकल जाऊँ। एक दो अरे तीन। मनसुख आओ जल्दी निकल के। ठीक है आ रहा हूँ। भाभी अब कैसी होई? अब होएगी जे कजा पुल में सरते है भाभी। हाँ। जे पुलवा सरपन को ले अब पहचान हुई। हाँ जनानी सवारी जाती है तो ये टूट जाएगा। अब मुझे अकल बताइए कैसे निकलूं? अरे भाई जल्दी आओ निकल के।
चलिए ऐसा करो मेरी पीठ पर आ जाओ। ठीक है चलो बैठ जाओ। एक दो और एक भाई साहब मेरा पुल टूट गया। पुल टूट गया फटेगो फटेगो। चलो जाओ ऐसा करो जाओ सारे में मिली संगना लगाओ। मैं सीमेंट का पुल थोड़ा भाई साहब आप जाओ मैं अब चेकिंग करूंगा सबरी फौज को। ठीक है भाई साहब। हमारे पहली गई मंत्री घोड़ी जनानी है। हाँ देखिए घोड़ी से पुल नहीं टूटता है। सारी फौज को चेक करो ये पुल कैसे टूटा है। बासिक का पुल। हाँ जब सारे मिली संतीना वाले तो टूटेगा टूटे। अबे खामोश फालतू बात मत करो जल्दी करो। बहुत अच्छा मैं अभी चेकिंग करता हूँ। करो जल्दी से। ए मनसुख कहिए मंत्री। अलग हट जा अलग हट जा। ले मैं तो दूर खड़ा हूँ। ए महाराज क्या बात है। मनसुख की फौज में एक इंसान दिखता दो छाए दिख रही है। मनसुख की में। हाँ कोई लुगाऊ मालूम पत्तू है। हमस मनसुख तेरी फौज में कोई जनानी सवारी है। भाई साहब मेरी फौज में कोई जनानी सवारी नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये बताइए आपके साथ में कौन है। मेरे साथ में ये मेरा एक दोस्त है। दोस्त है यार मुझे छोड़ के कब से दोस्त बना लिया है। भाई साहब ये दोस्त बना दिया एक दिन अकस्मात में लेटरिंग के लिए गया और मुझे वहां पानी नहीं मिला। मैंने एक लोटा इससे पानी लिया। अबे लोटे में तो लिखा पर मुझे। अबे नहीं उस लोटे के एहसान में मैंने यार बनाया है। अच्छा तो ये कहां के लिए जा रहा है। ये मेरे साथ लड़ने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं हो जाए कि ये लड़ाई में पीछे हट जाए तो और बात खराब हो जाएगी। अरे नहीं ये पीछे नहीं जेब फूल लेंगे ज्यादा जा बैठे बीड़ी दिब्बा दे। अबे मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। जेब कायदे भर रही है इसका। सीना खिंचा हुआ सीना है। माल खाता है। मारू खातू है। माल खाता है इसका। अच्छा, सीना अच्छा। तंगड़ा हो गया है। मनसुख तो ये तेरा यार है। हाँ इससे दो बात कर सकता हूँ मैं। ठीक है मैं पूछता हूँ अभी कर लेना। भाभी साहब देवर जी अब बनुआ बनगो। अले अब बनुआ बनो अब मैं तैयार ना ले दूंगी। ओ महाराज क्या बात है। मनसुख की फौज में भाभी और देवर हो रही है। अच्छा हाँ क्या तू सुन के आया है। बिल्कुल कानों से सुन के आया है। तेरी फौज में देवर भाभी कैसे हो रही है। अरे नहीं भाई साहब ये राजमंत्री बना रहा है। मेरा यार कह रहा था कि यार मुझ पर बड़ी भावाई पड़ गई। अच्छा मैंने कही क्यों। वो बोला कि मैं बेवर होकर के आया था। सारे फालतू बातें करता है। ची बहन जो टप्पर में आगे चुनाव बेवर में आगे चुनाव। ठीक है मैं देखूंगा। क्या हुआ भाई साहब। कहिए भाई साहब। यार तेरा यार कैसा है। आधा जनाना आधा मर्दाना। बीच में दिवाई को कारा खानो। नहीं भाई साहब हमारे दोस्त के यहाँ ये पहना भी है। तो पूछो इससे दो बात करना चाहता हूँ। भाभी साहब लड़का देखो अब आयो नंबर जो कह रहे हैं भाई साहब के मैं जरा हाथ मिला के देखूंगा तुम्हारे यार से। तो ऐसा ना हो कि लड़ाई में पीठ दिखा करके भाग आए। मैं हाँ मैं कोई हटने वाली हूँ। एक कहाँ का रहने वाला है। ये हमारा यार ही बताएगा आप पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है तो आप हट जाइए मैं इसी से बात करूंगा। कहिए भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो। मैं नर्मदा। नर्मदा। हाँ तो अभी तो नर्मदा का रहने वाला है। जो हमारा एक बात बताओ। हाँ नर्मदा में और नर्मदा में कोई अंतर है। कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है रे। तो अभी नर्मदा और नर्मदा में तो बहुत अंतर है। हाँ बहुत अंतर है। कोई बात ना कोई बात ना। अच्छा भाई क्या नाम है तेरा। मोतीमल। मोतीमल ये बात क्यों महाराज। हाँ मोतनी और मोतीमल मोतनी मोतनी वो बोले मोतीमल और मोतनी का क्या इसमें मामला है। कुछ नहीं होएगी होएगी महाराज कोई बात ना। हाँ मनसुख कहिए भाई साहब। ठीक है तेरा यार कैसा है। सुनो मैं अब भी तुझे समझा देता हूँ। चल बे खड़ा हो जा हाथ मिलाऊंगा तुझसे। लाओ अरे पोल काए ठाड़ो यारे खोलबा मेरे जाकी पोल। की कलाई रे बीरला
सच्चा बतीर होते। सच लो अभी देख लो इंसान की कलाई चपटी होती है, लेकिन हमारे यार की कलाई कैसी बन रही है। अरे मर्द की कलाई रे मनसुख चपटी देखी होती, तोरे गुजर कलाई जाती अरे बन रही है गोल। और जैसी कलाई है गोल गोल जाकी बन रही अरे कलाई रे बिल्कुल गोल। अगर इंसान होगा तो हाथ मिलाते झटका ले जाएगा, और औरत भाई तो जैसे हाथ को पकड़ूंगा तैसे कह देगा जी मैया मर गई, क्योंकि औरत के हाथ में कितना दम होता है। चल बे तैयार हो जा, लाओ एक और दो और तीन। समझ लो मैंने जैसे हाथ को दबाया जैसे हाँ लाओ लो फिर मिलाओ लो लाओ ए दौरे। अरे दैया दैया महामंत्री लुगा हुए खामोश लुगा हुए महाराज मैं पहले कही। हाँ तुझे मालूम होगा ये लुगाई है। बिल्कुल लुगा हुआ बनो बनाओ लुगा हुए। और तू इसकी पहचान जानता है खूब अच्छी तरह से। कैसे जब सारे बठाड़े आगे मुतवाओ मुतवाए से क्या पहचान हो जाएगी। आदमी होगा तो लंबी डाल जाएगी भैया रमाई होगी तो वाले बेजस्ती फैला के भागे थे। ठीक है अच्छा ऐसा करो तो मनसुख से कह दो यार ये कैसा देख करके आओ जल्दी से क्या मामला है। अभी देख करके आता हूँ। महाराज कहिए राजमंत्री। अबे हरिजन सुलगुड्डे पल्ली तरफ। ए महाराज हाँ मानो चाहे मत मानो भाभी मोतनी है। मोतनी है हाँ मोतनी यार कैसे आ गई यहाँ पर। अब मुझे सले कैसे आ गई गार बात ही लग रहा है कि 10 साली को छोड़ नहीं सकता और जान से मार दूंगा। हाँ बिल्कुल मारते हुए और न मरी तो कहा उतरे थे न मरी तो फिर चल मुझे ले चल लेवा करके आ जाओ। कहाँ पर है देख लो ये ठाड़ी है सामने। अरे ये मूर्ति नहीं है अगर किसी से मूर्ति का नाम ले जाए सभी का मामला खराब हो जाएगा। हाँ देख लो ये खड़ी है ए, मोतनी है मोतनी है। आवाज दबा तो जी जी भैयो मेरे बहन के चाहियो। ठीक है जुलवई अरे गुजारे री बेहा तेरी बादर देख फारे। हनुमान लाल भाई के और लाया था साथ लिवा करके नहीं लाया हूँ ये अपनी मर्जी से आई है। तेरी मर्जी से आई है
की वीरता है। तेरे मेरा पावनगढ़ में नाम डुबा दिया। क्या मैं आने से ही? और क्या मैया आए आने से तेरी बात में क्या बात बनी कर रही। आवती